नमस्कार, गुंडे को राइडर देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही बढ़िया DIY बनाएंगे जो कि स्क्रैप में से रहेगा। आपके घर में फर्नीचर में इस तरह से कुछ स्क्रैप रहता है, फर्नीचर का हम काम करते हो तो उस वक्त ये निकल जाता है, तो हम उसमें से ही आज DIY बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतने लेंथ के मुझे टुकड़े चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर पेन से खींच लिया और मैं इस तरह से मुझे तीन टुकड़े चाहिए, एक दो और मैं यहाँ का एक ले लूँगी, तीन, और बीच में से मैंने उसको कट कर रही हूँ। जो भी कटिंग का सामान आपके पास अवेलेबल है उससे आप ले सकते हो या फिर आप आपके कारपेंटर से भी उसको कट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तीन इस तरह से टुकड़े प्लाई के जो थे वो कर लिए हैं। अब मुझे इसको इस तरह से कटिंग चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इधर बस ये यहाँ से मुझे कटिंग करना है, ऐसा मैं दोनों पे कर लूँगी। इस तरह से मैं तीनों को कट कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कटिंग मेरी हो चुकी है, तीन जो हमने स्ट्रिप्स कटी थी प्लाई से वो कटिंग हमारी यहाँ से सब हो चुकी है। अब मेरे पास एक और इस तरह से एक टुकड़ा है प्लाई का, इसको मैं बीचों बीच कट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये पीसेस बीच में से कट कर लिए। अब हम इसको, हमको पहले ये जो पीसेस है उसको हम इस तरह से रख देंगे, और ये जो हमारे पीसेस है ये हम इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों एक जैसा आने चाहिए, एक लेवल में आने चाहिए नीचे से। हमारे पास कुछ नेल्स हैं उससे हम इस तरह यहाँ पे ठोक देंगे। हम एक एक करके ठोकेंगे। इसको मैं निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये इस तरह से खील लगा दी पीछे से, और इसी तरह से मैं इन दोनों को भी लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो इनको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल के इनको भी खील लगा देती हूँ। अब हम इसको करते हैं कलरिंग। कलरिंग के लिए मेरे पास है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर्स है, इसका हम यूज़ करेंगे। आप कलर चाहो तो जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप दे सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो पहले वाइट कलर दे सकते हो बेस में, और फिर उसके ऊपर दूसरा जो भी कलर आप पसंद करते हो वो दे सकते हो। तो मैं इसके दो तीन कोटिंग्स लगा दूँगी। तो कलर जो है हमने दे चुके हैं और ये अच्छे से सूख भी चुका है। थ्री लेयर मैंने कलर के दिए हुए हैं इसको। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है हमारा, और इसको हम यहाँ पर एक एक खील लगा देंगे। सिंपल सा ठोकना है। मेरे पास है एक जूट का रोप। इस जूट के रोप को हम यहाँ पर बांध देंगे। सिंपल सी गठान लगानी है, और हमको जितना नीचे रखना है उतना आप रख सकते हो। मैं थोड़ा सा इस तरह से लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है कुछ ग्रीन कलर का सिल्क का कपड़ा है, और इसको हम, मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से मुझे ट्रायंगल निकालने हैं 8 से 10। ये मैं निकाल लेती हूँ इसके। ये देखिए काफ़ी सारे ट्रायंगल मैंने निकाल लिए। अब हमको ये जो ट्रायंगल है इनको इस तरह से इधर लगा देना है, इस तरह से। ये हम सील भी सकते हैं या फिर हम फेविकॉल की हेल्प से हम इसको लगा भी सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सूख चुका है और ये हमने सारे लगा दिए हैं। और हम इसके ऊपर वही फेविक्रिल एक्रेलिक कलर से मैं इसके ऊपर लिखूंगी फ्रेंड्स, या आप वेलकम भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस पे फ्रेंड्स लिख दिया है। आप चाहो तो इस पे वेलकम लिख सकते हो, वेलकम बोर्ड भी ये तैयार हो जाएगा हमारा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फ्लावर लगा दूंगी। आप चाहो तो दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कलर का। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये लगा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने दीवार के ऊपर हैंग कर दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत इस तरह से लग रहा है, आप देख सकते हो इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।